ऐसी टाइप की डेकोरेशन मैंने केक पर पहले कभी नहीं की, इतनी प्यारी थी ना। मैंने इस पर मतलब कलर से पूरा खेल लिया है इस केक की डेकोरेशन के लिए। तो मैं ना, मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका कब मिलता है, जब कस्टमर अपने हिसाब की डिजाइन नहीं बताते, तो मैं कुछ भी ऐसा कर देती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने एक कॉमेंट पढ़ा था, उसमें कोई बोल रहा था कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ नई चीज ट्राई करो। देखो, नई चीज ट्राई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ती है कि मेरे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में केक कहीं खराब ना हो जाए और वही केक मुझे कस्टमर को ना देना पड़े, क्योंकि कस्टमर को अगर केक पसंद नहीं आया वो नाराज हो जाएंगे। इसमें किसका नुकसान है? मेरा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम से ऑर्डर नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती। जो मुझे आता है वो मैं करूंगी। हाँ, कंफर्ट जोन से कब जाकर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ? जब मुझे घर के लिए केक बनाना हो तो तब चल जाएगा, बट कस्टमर के लिए थोड़ा मैं इसी टाइप का डिजाइन करना प्रेफर करती हूँ। तो जिस तरह से मैंने कलरफुल से रोजेस पहली बार केक पर बनाकर रखे, जो कि पर्पल के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, तो आप लोग बताना आपको इस केक की प्यारी सी डेकोरेशन कैसी लगी। Perfect.